हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। चलो आज का टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी 10th का चैप्टर 6 यानी कि त्रिभुज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 इसीलिए इम्पोर्टेंट है, समझ लो कि आपका 10 नंबर ये चैप्टर 6 से आने वाले हैं। एक थेल्स थ्योरम आप लोग तो जानते ही होंगे, थेल्स थ्योरम किसको बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग जान जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है पाइथागोरस थ्योरम। ये दोनों 6 चैप्टर से ही आते हैं। दोनों किसके ऊपर बेस्ड है? त्रिभुज पे बेस्ड है। अगर कोई त्रिभुज दे दिया गया तुमको, तुमको जैसे कि मान लो कोई त्रिभुज दे दिया गया, तुमको कैसे मालूम पड़ेगा वो समरूप है या नहीं है, सर्वागसम है, और बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे काइंड सब होते हैं, ठीक है। त्रिभुज को पहचाने के लिए कौन सर्वागसम होते हैं, कौन थेल्स यानी कि कौन थेल्स प्रमेय को फॉलो करेंगे या कौन समरूप होंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थेल्स परिमेय या जिसको दूसरे रूप में क्या बोला जा सकता है, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय बोला जा सकता है। जैसे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय की अगर हम बात करें, आधारभूत समानुपातिकता क्या है, समानुपातिकता परिमेय। जैसे कभी कभी क्या होता है कि थेल्स थ्योरम की जगह पे छोड़ करके सीधा बोल देता है कि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय बताएं, तो क्या होता है कि बच्चे लोग का सीधा बोलते हैं भाई आउट ऑफ सिलेबस आ चुका था, भाई ये तो कुछ भी नहीं किया फलाना रहेगा ना, बहुत सारे सबके दिमाग में कचरा भरा हुआ रहता है। इसलिए ये दे दे थेल्स परिमेय दे या आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, दोनों क्या होगा, दोनों सेम होगा। अब यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अगर जैसे यहाँ पे देखो दो त्रिभुज, यहाँ सबसे पहले क्या केस वन, इसमें 3 केस होते हैं, ठीक है। पहले तो ये केस है, उसके बाद अगला केस देखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे केस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या करता है क्या होगा, वैसे तो तुमको समझ में आता जाएगा कि कौन सा कहाँ पे सम थेस पर में हमको लगाना है, कहाँ पे थेस पर में नहीं लगाना है, कहाँ पे थेस पर में का हमको एप्लीकेशन आएगा, कहाँ पर थेस पर में का एप्लीकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस वन के अंदर हम देखा जाए कि सबसे पहले तो ये देखेंगे दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, क्योंकि जब दो थेस जी ने वही बताया था, ठीक है, उन्होंने पहले क्या कहा था केस वन में, उन्होंने बताया था कि अगर उनके संगत कोण बराबर हो। सबसे पहले क्या होता है, संगत कोण समझते हैं। संगत कोण का मतलब क्या हो गया, मान लो तुम्हारे पास दो त्रिभुज हो, क्या हो, दो त्रिभुज हो, मान लो ये रहा तुम्हारे पास दो त्रिभुज, ठीक है। एक छोटा त्रिभुज हो गया, बड़ा त्रिभुज हो गया, एक क्या हो गया, छोटा त्रिभुज हो गया, ठीक है। मान लो इसका नाम ABC है, क्या नाम है इसका, ABC, इसका नाम क्या हो जाएगा, PQR, ठीक है। ये दो त्रिभुज तुमको तुम्हारे पास हो गया। अब इसके अंदर थ्योरम तो बता दिया कि तुमको क्या बताया कि उनके संगत कोण बराबर हो। अब तू तो पहले तुमको तो ये मालूम होनी चाहिए ना संगत कोण का मतलब क्या हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत भुजाएं कितना में हो, एक ही अनुपात में हो, ठीक है। यानी कि पहले सबसे पहले ये वाला संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे कि मान लो ये दोनों त्रिभुज है, ये बड़ा है ये छोटा है, अगर इसको समरूप होना है ये दोनों को, तो क्या करना होगा इसको, ये वाला दोनों कंडीशन क्या करना होगा, इसको फाइंड करना होगा यानी इसको फॉलो करना होगा। अगर ये दोनों को सेटिस्फाई करता है ये त्रिभुज तो क्या होगा, ये दोनों यानी ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर मानते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो संगत कोण है, संगत कोण पहले क्या होता है, ये देखो संगत का मतलब होता है कि ये साइड वाला कोण ये साइड वाला के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। संगत मतलब ये होता है ये साइड वाला ये साइड वाला के, ये साइड वाला ये साइड वाला, जैसे मान लो ये साइड वाला ये साइड वाला के, ठीक है ना। और ये साइड वाला किसके साइड होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए आपस में, अगर ये दोनों बराबर हो। पहले समझ में आ गया संगत का मतलब क्या होता है, संगत मतलब होता है कि ये साइड वाला वो त्रिभुज के भी ये साइड हो तो आपस में वो दोनों क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ऊपर वाला वो त्रिभुज का भी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपस में संगत हो जाएगा। उस साइड वाला, ठीक है, तो ये दूसरे त्रिभुज का भी किस साइड वाला, उस साइड वाला, उसको क्या बोलेंगे, संगत। उसी तरह चलो बताओ तो तुम बताओ, इसका ये इसका ये वाला भुजा है, इसका संगत कौन सा भुजा होगा, ये वाला भुजा होगा, इसका संगत कौन सा भुजा होगा, ये वाला, क्योंकि ये भी इस साइड है आपने त्रिभुज, ये भी ये साइड है, संगत हो गया। उसके बाद इसका इसका किस साइड होगा, इस साइड होगा, क्योंकि ये भी अपने त्रिभुज की उस साइड है और ये भी अपने त्रिभुज की किसके साइड है, उस साइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में संगत हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, नीचे वाला, नीचे वाले के साथ होगा, होगा कि नहीं होगा, ये दोनों संगत होगा आपस में, होगा, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया संगत, संगत क्या होगा, यानी कि इधर वाला कोण है अगर कोई, ठीक है ना, तो वो भी त्रिभुज में वो इधर होनी चाहिए, तो दोनों आपस में क्या हो गया, संगत हो गया, ठीक। संगत कोण का मतलब समझ में आ गया, संगत भुजा का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे है, यहाँ पे अगर उनको संगत कोण बराबर है, अगर हमको समरूप प्रूफ करना है, तो ये हमेशा एग्जांपल में अगर माना कि
पहले मान लो माना त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ये होता है समरूप, किसका निशान होता है, ये समरूप का निशान होता है, किसका निशान होता है, समरूप का निशान होता है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर अगर समरूप है तो क्या कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, पहले तो कोण बी बराबर कोण क्यू होनी चाहिए, कोण बी बराबर कोण क्यू होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके सब कोण क्या होगा, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होनी चाहिए, कोण सी बराबर कोण क्यू कोण आर होनी चाहिए, कोण आर तथा क्या हो तथा कोण बी कोण ए बराबर कोण पी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कोण ए बराबर कोण पी, यहां तक हो गया, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों समरूप होगा, इसके आगे क्या होगा, उसके संगत कोण सेम अनुपात में हो, जैसे कि मान लो कि ये अगर एक बट्टा एक है, इसको भी क्या होना पड़ेगा, एक बट्टा एक, मान लो कि ये 10 cm है, ये 20 cm है, ये 1 cm है, ये 2 cm है, ठीक है, तो ये दोनों का संगत कोण क्या हो, समान अनुपात में हो, यानी क्या होगा, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, ठीक है, ए बी बट्टा पी क्यू, ये दोनों का अनुपात क्या होनी चाहिए, ये दोनों के अनुपात के बराबर आनी चाहिए, यानी कि ए सी बट्टा किसके बराबर आनी चाहिए, पी आर के बराबर आनी चाहिए, कोई भी ले सकते हो तुम, ये दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों को कंपेयर कर सकते हो, तुम अगर चाहोगे नहीं सर हम ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे तो तुम भी ले सकते हो, लो जिसको जो मर्जी लो, बस यहाँ पे क्या आनी चाहिए तुमको, यहाँ पे सबसे पहले कि ये दोनों का जो रेशियो होगा तो क्या आनी चाहिए तुम्हारे पास, सेम आनी चाहिए, मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, क्या करने के लिए लिख रहे हैं, समझाने के लिए, ठीक है, मान लो कि तुम्हारा ए बी कितना है, 10 cm है, कितना है 10 cm है, ठीक है, और पी क्यू कितना है, ए बी कितना है तुम्हारे पास 10 cm है, ओके, पी क्यू कितना है 1 cm है, ए बी बराबर मान लो तुम्हारे पास कितना cm है, ये वाला दूरी तुम्हारे पास 10 cm है, ठीक है, ये वाला दूरी भी तुम्हारे पास कितना है 20 cm है, मान लो कितना है 20 है, ये वाला दूरी कितना है 1 है, ठीक है, ये वाला दूरी कितना है तुम्हारे पास 2 है, मान लेते हैं, ठीक है, मानने में कुछ नहीं ना जाता है भाई, मान लो कि तुम राजा हो तो राजा बन जाओगे नहीं ना, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया क्या है 10 cm, तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी कितना है 10 है, ठीक है, और पी क्यू कितना है, पी क्यू 1 है ना, यहाँ पे तो क्या करेंगे, पी क्यू के यहाँ पे 1 लिख देंगे, बराबर तो बराबर, ए सी कितना है हमारे पास 2 है, 20 है, ए सी कितना है 20 है, तो पी आर कितना है हमारे पास 2 है, ये 2 ना ही कितना आ गया 20, तुमको दिख रहा है कि 10 बराबर 10 आ गया, हमको 10 बराबर 10 आ गया, दिख रहा है, ठीक है, अगर ये 10 बराबर 10 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है आपस में क्या है, समरूप है, सबसे फर्स्ट क्या हुआ, इसका एंगल क्या हुआ, आपस में समान हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसका जो रेशियो था, इसका जो भुजा का रेशियो था, दोनों क्या हुआ, आपस में समान हुआ, हमने क्या किया, ए बी वाला को पी क्यू से भाग करके देखेंगे, एग्जाम में कर दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर इसके भुजा को इसके भुजा से भाग के देखेंगे, ठीक है, उसका इतना आंसर आया 10 आया, मान लो तुम्हारे पास वहां पे भी कितना आएगा 10 ही आएगा, मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ए सी को भी किससे भाग करके देखेंगे, पी आर से भाग करके देखेंगे, मान लो उसमें भी 10 आया, तब हम लोग क्या प्रूव कर देंगे, हाँ बेटा, हाँ सर, यहाँ पे ऐसे ऐसे है, यानी इन दोनों का कोण बराबर है, इसका भुजा भी सेम अनुपात में है, इसलिए क्या है दोनों समरूप त्रिभुज है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है थ्योरम में, केस वन में क्या है, दो त्रिभुज पहले समरूप कब होते हैं, दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब क्या होता है उनके संगत कोण आपस में क्या हो बराबर हो, संगत कोण का मतलब क्या होता है, इधर वाले का इधर वाले के साथ, उधर वाले का उधर वाले के साथ, ऊपर वाले के साथ, तीन चीज हो गया, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात का मतलब समझ में आ गया, जैसे ये एग्जांपल हमने बता दिया, ओके चलो ठीक है, यहाँ तक उतारो, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलो पहले वाला तो अच्छा समझ में आ गया, चलो अब दूसरा वाला केस टू में देखते हैं, केस टू में क्या बता रखा है, थ्योरम थ्योरम किसको बोलेंगे, दूसरा केस में क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। चलो इसको समझते हैं, इसको समझने का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या होगा,
जैसे बोल रहा है, क्या बोलेगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मान लो कोई त्रिभुज है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास एक त्रिभुज है, मान लो इतना बड़ा तुम्हारे पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, मान लो उसका नाम क्या दे रखे हो तुम, ए बी सी, क्या दे रखे हो उसका नाम ए बी सी दे रखे हो। मान लो उसके बाद बोल रहा है क्या, एक भुजा के समानांतर, मान लो कि तुम बी सी के समानांतर एक रेखा खींचो, है क्या, बी सी के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, मान लो कि ये दो भुजा है, ठीक है ना, ये दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु, मान लो यहाँ पे है एक टू, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे, ओके, भिन्न भिन्न बिंदु पर काटने वाले, है कि नहीं, समानांतर का समानांतर खींचना है यहाँ पे है, तो समानांतर के लिए एकदम सीधा होनी चाहिए। समानांतर का कंडीशन क्या होता है, रेल की पटरी होती है, जैसे रेल की पटरी जो होता है एक टू सीधा रहता है, दूसरा क्या रहता है, एक तो मतलब कि मान लो रेल की पटरी ऐसे जा रही है, सीधा जा रही है, ऐसे करके जा रही है, तो क्या होता है, रेल की पटरी सीधी होती है ना, मान लो एक लाइन ऐसे किया और एक लाइन पटरी का ऐसे दे दिया, तो रेल की पटरी बनेगी है ना, बनेगी, क्या करना पड़ता है, रेल की पटरी क्या होती है, हमेशा पैरेलल में होती है, ठीक है, जब भी समानांतर का मतलब हो तो क्या समझना है वहाँ पे, कि रेल की पटरी जो होती है वो क्या होती है, समानांतर में होती है, तो समानांतर में होती है, ये वाला समानांतर है, ठीक है, इसके एकदम समानांतर एकदम सीधा, जैसे ही लाइन है उसके ऊपर एक लाइन एकदम इसके पैरेलल में खींचना पड़ेगा हमको, ठीक, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मान लो कि ये दोनों को प्रतिच्छेद कौन करेगा, जब दो रेखा हमेशा हम लोग खींचेंगे, ओके, एक रेखा खींच दिया तो ये क्या किया, एक तो बिंदु मान लो कि यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है, एक बिंदु ई है, दो अलग अलग बिंदु है, भिन्न भिन्न बिंदु है, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होता है, बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, है कि नहीं, यहाँ एक रेखा जाए तो वो अन्य दो भुजा है, तो ये अन्य दो भुजा था, ये एक भुजा का ये हो गया इसका, दूसरा भुजा क्या है ये, और ये तीसरा भुजा, यानी कि जो अन्य दो भुजा है वो एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात का मतलब हो गया ये जो एक ही अनुपात में, यानी कि ए बी बट्टा बी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ठीक है, ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये विभाजित हो जाता है, समझ में आया, समझ में, इसको थ्योरम, इसको आप लोगों ने बनाया भी होगा, ये वाला प्रूफ भी होता है, कैसे प्रूफ होता है कि जब ये समानांतर खींचा जाए तो बता सिद्ध कीजिए कि इतना आ जाता है, यानी कि ये दोनों समानांतर होता है, फिर यहाँ से तुम लोग क्या करते हो, यहाँ से पैरेलल यहाँ डालते हो, यहाँ से पैरेलल डालते हो, फिर यहाँ से इसको मिलाते हो, यहाँ से इसको मिलाते हो, ठीक है, वो वाला प्रूफ में हमको अभी जाना नहीं है, ठीक, हमको यहाँ पे क्या से देखना है, यहाँ पे बस ओवर भी हम देखे चल रहे हैं, क्योंकि आगे हमको क्वेश्चन करवाना है, आगे क्वेश्चन करवाना है कि आपको तो कोई दिक्कत ना रहे, हमको ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, थ्योरम तीन टू है, उसको तीनों अगर तुम्हारे दिमाग में है तो हर जगह पे तुम्हारा क्या होगा, ये वाला काम करता रहेगा, इधर समझ में आ गया, अगर कोई भुजा है उसके अगर तीसरी भुजा के समानांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाए, अगर वो किसी त्रिभुज को दो बिंदु पर काटती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, दोनों को आपस में समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी, इतना समझ में आ गया, आ गया इतना समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं, उतारो, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, केस टू तो सबको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, केस थ्री में देखो क्या रहेगा, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, तो वो तीसरी भुजा किसके समानांतर होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है, एग्जांपल, जैसे कि मान लो किसी एक रेखा त्रिभुज की, कोई त्रिभुज है तुम्हारे पास, ठीक है, क्या है, कोई त्रिभुज है, मान लो ए है बी है एंड सी है, क्या तुम्हारे पास कोई त्रिभुज है, ए है बी है एंड क्या है सी है, अगर इसके अंदर बात करें, इसने क्या बोला कि यदि कोई रेखा, कोई मान लो कोई रेखा है, ठीक है ना, कोई रेखा है, इसे अगर कोई रेखा मान लो, मान लो कि पैरेलल नहीं है, तुमको नहीं मालूम कि ये दोनों समानांतर है, ठीक है, तुमको केस टू का नहीं पता, तुमको सीधा दे दिया हो कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं, हमको नहीं मालूम है, कोई रेखा हमने खींच दिया है, ठीक है, उन्होंने बोला कि यदि कोई रेखा खींच दिया है हमने, ठीक है ना, क्या बोला, कोई रेखा एक खींच दिया, उन्होंने क्या बोला कि ये जो जैसे रेखा खींचे ना हम, तो क्या हुआ, ये दोनों को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित कर देता है, जैसे कि सेकंड में देखे थे, केस टू में क्या देखे थे कि यदि कोई समानांतर रेखा खींचते हैं तो वो दोनों को क्या करती है, आपस में विभाजित करती है, इसी का उल्टा यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमको नहीं मालूम कि ये समानांतर रेखा है, अगर समानांतर रेखा होगा तो केस टू को फॉलो करती कि नहीं करती, लेकिन यहाँ पे हमको मालूम नहीं है कि ये समानांतर है, अगर समानांतर है नहीं तो यहाँ पे पहले प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो प्रूफ बाद में, बोर्ड है यहाँ पे, हमको प्रूफ देखना नहीं है, यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देख के चल रहे हैं, तुमको एक नॉलेज देख के चल रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे तुम्हारे अंदर कहीं पे सवाल के अंदर अगर ऐसा मतलब कंडीशन आए तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा थ्योरम लगाना है और कहाँ पे क्या करना है, समझ में आया, इसलिए ओवरव्यू देके चलते हैं, वैसे तुम लोग के सर जो होंगे काफी अच्छे होंगे, अगर नहीं है तो बोल देना, तो हम उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक, अगर प्रूफ का अगर चाहिए आपको वीडियो, एक मरतबा कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका भी हम वो क्या कर देंगे, उसका प्रूफ हम अपलोड कर देंगे। ठीक, चलो यहाँ से निकल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमको ये मालूम नहीं कि ये इसके समानांतर है, मान लिया कि इसके समानांतर नहीं है, कहीं सा भी है, मान लिया ऐसे कोई खींच दिया, ठीक है, समानांतर नहीं है, ये एकदम सीधा है, ये थोड़ा सा क्रॉस होकर जा रहा है, आगे कहीं ना कहीं जाकर क्या करेगा, काट देगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि यदि ये अगर उसको समान अनुपात में विभाजित कर दिया, यदि कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है, वो अगर ये इसके बराबर आ जाए और ये इसके बराबर आ जाए, अगर समान अनुपात में अगर विभाजित करेगी तो क्या होगा, ये जो लाइन जो इसके अंदर जो तुमने दिए हो, जो लाइन जा रही है, जो रेखा जा रही है, वो क्या होगा, ये तीसरी भुजा क्या होगा, हमेशा समानांतर होगा। यानी कि अगर कोई सवाल है तुमको, ऐसे तुमको दे दिया जाए ए बी बट्टा डी बी, ठीक है, कोई सवाल तुम बना रहे हो तुमको ऐसे आ जाए, ठीक है, ए ई बट्टा ई सी, ठीक है, कोई सवाल तुम बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर तुमको बता दिया गया कि हाँ एक त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंदर मतलब इसके अंदर तीन त्रिभुज मिला जाएगा, तुमको बोलेगा कि इसको और इसको दोनों क्या करो, प्रूफ करो कि दोनों समानांतर है। ठीक है, लास्ट में क्या आया, तुम्हारे पास ऐसा कंडीशन आया, तुम सर रख पकड़ के बैठ गए हो, अब क्या करें, अब क्या करें, तो तुमको ये वाला थ्योरम क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे वो एक थ्योरम पढ़े थे, यहाँ पे क्या था कि अगर ऐसा कंडीशन अगर आ जाए कि ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, दोनों का रेशियो हो, दोनों का अनुपात अगर बराबर हो, तो क्या होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। समझ में आया, अगर ऐसा कंडीशन तुम्हारे पास आ गया कि यदि ऐसा रेशियो तुमको दे दिया गया है, उसके बाद तुमको क्या पूछे, समानांतर है, तो ऐसा रेशियो अगर तुमको आ गया कोई भी सवाल बनाते हुए, ठीक है, आगे देखेंगे 6.2 में बहुत सारे सवाल है इसके ऊपर, उससे तुमको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तुमको इसको ये देखना होगा, ओके, तो यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर है, दोनों का रेशियो, ठीक है, दोनों का रेशियो अगर बराबर है, तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। समानांतर कैसे करते हैं, डी ई क्या हो जाएगा, डी ई समानांतर बी सी, ठीक है, आगे 6.2 में बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए हम सोचे पहले इसको, हम नहीं तो हम सीधा एक्सरसाइज बनाने वाले थे, हम बोले कि पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज तो बनेगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, अगर समझ में नहीं आए, तो कॉमेंट बॉक्स में प्लीज कॉमेंट करके बताओ। जब तक के लिए जय हिंद।